पशुपालकों को उचित दर पर भूसा दाना एवं चोकर को सस्ती दर पर उपलब्ध कराए जाने के लिए पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं भूसा व्यापारियों की बैठक अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पशुओं के आहार के रेट भी निर्धारित किए गए जो 22 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे। रेट लिस्ट में भूसा खुदरा में अधिकतम 700 रुपये प्रति क्विंटल, पशु आहार खुदरा में 2000 प्रति क्विंटल, चोकर खुदरा में 2500 रुपये प्रति क्विंटल, कुत्तों का आहार खुदरा में 2250 रुपये प्रति क्विंटल तथा बिल्ली का आहार खुदरा 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, रात 2 बजे के करीब फोन आया था, घूसा गाड़ी का इधर से आ रहे थे हरेला साइड से, फिर मैंने बात की जो गाड़ी नहीं चल रही है सर, जिसका चलान हुआ वो बढ़िया नहीं कर रहा है, गरम नहीं बैठ रही गाड़ी, नहीं बैठ रही, नहीं जाएंगे गाड़ी कि अभी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ गई हैं, वहाँ तो बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया, रोड टू रोड भूसा चूका ये सब रोड टू रोड दिलाया जा रहा है सर, कोई बाहर नहीं कर सकता। तो उसी के मद्देनजर मैंने भी यहाँ पे प्लानिंग आप लोगों को इसीलिए बताया है कि अगर बाई थी क्योंकि आगे क्या पता कब क्या स्थिति बन जाए, पहले से बोली रखी है उसकी पशु के आहार की कोई समस्या ना हो, इसलिए हम लोगों ने एक हफ्ते पहले CBO साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और मैंने एक बैठक ली थी जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में, और सभी पशु आहार से संबंधित जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी बैठक करके भूसा है, चोकर है और कैटल फीड है, डॉग फीड है, कैट फीड है, इन सब चीज़ों के रेट निर्धारित कर दिए थे। अब एक हफ्ते बाद आज पुनः बैठक करके उन रेट्स को पुनः रिवाइज कर दिया है ताकि अगले 22 तारीख तक वो रेट प्रभावी रहेंगे और उससे ज़्यादा पैसे में कोई भी पशु आहार नहीं बिकेगा। सर अगर कोई ज़्यादा ओवर रेटिंग करता है तो उसके लिए क्या? ओवर रेटिंग करता है तो उसके खिलाफ उसकी एक तो डिस्ट्रीब्यूशन शिप कैंसिल करा दी जाएगी और उसकी दुकान सील करा दी जाएगी और संगत नियमों में ITC की कार्रवाई की जाएगी। सर ये लॉकडाउन तक प्रभावी, लॉकडाउन 3 मई तक प्रभावी कर दिया है भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये कंटिन्यू रहेगा और इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा।